हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बिल्कुल बेसिक्स को पढ़ा था। हमने इस बेसिक्स के अंदर में सबसे पहले स्टार्ट किया था कि आखिरकार हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ है सेल, वो क्या है। इसके बाद हमने इसका एक पोर्शन देखा कि भाई इसके अंदर जो होते हैं वो एक तो न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमको मिलता है क्रोमोजोम, और इसी क्रोमोजोम्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमने पढ़ा प्रोटीन, और दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए पढ़ा, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पढ़ा, और इसके बाद हमने आरएनए के बारे में पढ़ा। और इन सब के बाद हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा जिसके बेसिस पर हम कैसे डीएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं या फिर उसका क्या काम होता है। इन सब के बारे में भी हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। इनफैक्ट हमने सेल के कुछ टाइप्स के बारे में भी बात किया था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हमारे हेल्प करेंगे। अब इसके बाद आज हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। उससे पहले जब हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ गई है, तो अगर मैं आपको अब आपसे पूछता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या, तो आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हो? देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हम करते हैं ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो हम अपने शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं जीन्स में या फिर जो भी चेंजेस कर रहे हैं, उससे अगर हमारा लाइफ बेहतर होता है, मतलब कि फॉर द वेलबींग ऑफ लाइफ्स, अगर हम ऐसा काम करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इन द पॉजिटिव सेंस कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे उससे, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक्सप्लॉयटेशन है जो कि हमारे वेलबींग को इंश्योर करेगा, ठीक है। और इसके अगर कुछ इम्पॉर्टेंस की मैं बात करूं, या फिर इसके कुछ अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं जो कि भी आगे आने वाले टाइम पर हम पढ़ेंगे, मेजर एप्लीकेशन की बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओस, या फिर इसके एग्जांपल जैसे कि बीटी कॉटन या फिर बीटी ब्रिंजल, तो ये हैं जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। साथ ही साथ जैसे कि मान लो कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें बायो रेमेडिएशन आप बोल सकते हो। इसके अलावा वेस्ट को ट्रीट करने के लिए भी, मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इनके अलावा आप बोल सकते हो कि अभी जैसे बायो फ्यूल्स हम बना रहे हैं, तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल्स जो कि लेस पॉल्यूटिंग है, तो इधर भी हम लोग काम कर रहे हैं बायो फ्यूल्स में। इसके बाद हमारे पास जीन थेरेपी है, इसके बाद हमारे पास जीन एडिटिंग है, जीन इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। इन सब में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस ही हैं, मोर और लेस इनका बेसिक वही है जो कि अभी आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ बात हो गई एप्लीकेशन की। इम्पॉर्टेंस की अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो हमारा डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी अपना इन्फ्लुएंस हमें दे रही है। तो अगर इन द फ्यूचर या फिर इवन आज भी अगर किसी पेरेंट को ये चाहिए कि भाई उनका बच्चा जो भी पैदा हो रहा है उसकी डिज़ायर्ड ट्रेट्स क्या क्या हों, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जीनोम सीक्वेंसिंग ऑलरेडी कर ली गई है। तो इस जीनोम सीक्वेंसिंग में हमें पता है कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ डीएनए ये किस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमको उस सीक्वेंस उस ट्रेट का कोई एक बेबी चाहिए, तो हम उस ट्रेट को एक्टिव कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा बोले कि हाँ मेरे जो भी बच्चे होंगे उनकी आंखें नीले रंग की होनी चाहिए, ब्लू आईज होनी चाहिए उनकी, ताकि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सके, हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बोले तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है आज के टाइम पर। बस इसका एक मेजर कंसर्न ये है कि यहाँ पर एथिकल डायलिमाज आते हैं। एथिकल डायलिमा मतलब कि हमारा जो भी नेचर है, मतलब कि जो जिस चीज़ के हम सराउंडिंग्स अपने इर्द गिर्द अपने देखते हैं, और जो हमारा एक नेचुरल फॉर्म है लाइफ का, हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम छेड़छाड़ कर तो रहे हैं, और वो भी इस रिस्क पे कर रहे हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस हमें पता नहीं है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे पोर्शंस हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने जा रहा है वो हमें पता नहीं है, बट स्टिल हम एक अच्छे होप के साथ इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इवन
हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात की थी, तो वो भी वन ऑफ द एप्लीकेशंस में ही आ सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक बढ़िया फॉर्म है। जीन एडिटिंग की बात करें तो जैसे हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं अपने पीडीएफ फाइल्स में, सॉरी अपने वर्ड फाइल्स में, या फिर जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप या फिर फ़ोन में आप करते हो ना चैट करते टाइम, ये समझ लो वैसे ही कट कॉपी पेस्ट हम जीन्स के साथ भी कर सकते हैं। वो होती है जीन एडिटिंग, ठीक है। तो इतने सारे बहुत, मतलब अभी आप फार्मेकोजेनेसिक्स देखोगे तो इस तरीके से आप बहुत सारे पोर्शंस देखोगे जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही रन कर रहे हैं। जैसे कि जीन मॉडिफिकेशन की बात है, जीन मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। जीन इंजीनियरिंग हमने बता दिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, क्लोनिंग। क्लोनिंग करने की क्षमता भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। और इसमें इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स की एकदम एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं, मतलब कि जैसे पेरेंट्स हो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपीज हम उनके बच्चों के पास भी दे सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि डॉली एक शिप थी, शीप। तो डॉली शीप जो है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल है, तो उसको क्लोन करके बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब डॉली तो उसमें से केवल एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर आर्टिफिशियल क्लोनिंग के साथ हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा है। उनमें से बहुत सारे नाम आप याद कर सकते हो, जैसे कि एक गरिमा टू है। गरिमा टू मतलब एक बफेलो है, 2010 में ये करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में गरिमा टू नाम से एक बफेलो को क्लोन किया गया था। फिर इस तरीके से नूरी एक है। नूरी कौन है? एक पश्मीना, मतलब कश्मीर की गोट है, पश्मीना गोट है नूरी। वो समझ लो इंडिया में पहली गोट है जिसको क्लोन किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को क्लोन किया जा रहा है। समरूप है, समरूपा जो है वो फर्स्ट क्लोन है वाटर बफेलो की, ये भी NDRI करनाल में ही हुआ है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ICAR की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए हैं जिसके बेसिस पर क्लोनिंग पॉसिबल है। इन्होंने एक बफेलो काफ को जिसका नाम पूर्णिमा था, इन्होंने मतलब नामकरण सबका रखा है, नाम बड़ा ही प्यारा प्यारा रखा है, गरिमा, पूर्णिमा, समरूपा, एक ऐसी नूरी है, श्रेष्ठ है, स्वर्ण है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये सब क्लोन होके निकले हैं या फिर हम उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, समझ में आया क्या? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कुछ बायोलॉजिकल सॉरी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने लाइफ की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। वो चेंजेस जीन्स लेवल तक हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलें हम वापस से जहाँ पर हमने कल अपने लेक्चर्स को ड्रॉप किया था, और ये रहा इम्प्लीकेशन पे। तो हम बात कर रहे थे इम्प्लीकेशन में, और सबसे पहला है फार्माकोजेनोमिक्स। इसके अलावा जीन एडिटिंग, जीन डोपिंग, जीन थेरेपी, जीन पेटेंटिंग, ये सब क्या है, इनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उन सब के बारे में जरा करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स देखो दो वर्ड से बना है, एक है फार्माकोलॉजी और दूसरा वर्ड है यहाँ पर जेनोमिक्स। तो सबसे पहले अगर फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इसका ये मतलब है कि हम ड्रग्स के साइंस के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं। मतलब ड्रग्स कौन सा, वो खतरनाक ड्रग्स लेने वाला ड्रग्स नहीं, बल्कि मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो भी हम लोग आजकल कैप्सूल टेबलेट्स खाते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम होते हैं, मान लो लूज मोशंस होते हैं, तो एक बड़ा ही फेमस टेबलेट है नॉर्फ्लॉक्स टीजेड लेते हैं हम लोग, तो ये मान लो अगर मेडिसिन लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, या फिर आपने और भी मेडिसिन के बारे में कभी ऐसा सुना होगा, मान लो सिर दर्द की टैबलेट है, आप बोलते होगे ना कि हाँ ये वाली टैबलेट ना मेरे को असर नहीं करती है, वो मतलब कि आपके कोई दूसरा कोई फ्रेंड होगा उसको वो टैबलेट काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ में अगर वो करता है तो उसको अच्छा खासा यूज़ करेगा। किसी को एक टैबलेट में बढ़िया असर करता है, किसी को आधे टैबलेट में बढ़िया असर कर देता है, और कभी कभी किसी को हमें तीन तीन टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं। तो ये वेरिएशंस कैसे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअल में जब हम ड्रग्स की पढ़ाई करते रहते हैं, ड्रग्स के साइंस को समझते हैं, तो हम कभी भी जीन्स को ध्यान में नहीं रखते हैं।
और हमने कल डिस्कस किया कि भाई हर इंडिविजुअल का, हर एक इंसान का जो जीन्स का सीक्वेंस है ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि इनका जो रिएक्शन है इस पर्टिकुलर मेडिसिन पर वो भी अलग अलग होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वन साइज फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि एक ही टैबलेट है और उसी से सबका क्योर करना चाहते हैं, जबकि उसका असर सभी लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फार्माकोलॉजी में जीनोमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि हम इसमें जीन्स और उनके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे साथ साथ और उसके बेसिस पर ड्रग्स का साइंस इंक्लूड करेंगे। मतलब कि हमने इंडिविजुअली जो भी जीन्स की सीक्वेंसिंग थी उसके बेसिस पर अलग अलग मेडिसिंस के फॉर्म्स निकाल लिए, इसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके कि इस पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंसेस पे कौन से वाले टैबलेट एग्जैक्टली खाने पर सबसे अच्छा असर करेगा। तो विन विन सिचुएशन नहीं हो गया? एक तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, दूसरा ये कि उसका असर भी काफ़ी तेज रहेगा। तो फार्माकोजेनोमिक्स इज वन ऑफ सच टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लोग जीन्स को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स के रेस्पॉन्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जीन्स किस हिसाब से ड्रग्स के रेस्पॉन्स को अल्टर कर सकता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं फार्माकोजेनोमिक्स के मदद से। शुरुआती दिनों में देखो ये दिक्कत होगी और हमने ये भी समझा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का किसी के ऊपर साइड इफेक्ट हो। तो देखो आप डिस्क्लेमर के फॉर्म में हमेशा टैबलेट्स पर देखते हो कि अगर इस टैबलेट को यूज़ करने से अगर इचिंग होती है या फिर आईज में जलन होती है तो रश टू डॉक्टर्स, ऐसा लिखा होता है। तो वो क्यों लिखते हैं? वो इसीलिए लिखते हैं ना क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो मेडिसिन कौन कौन ले रहा है, उनकी जीन्स की कॉम्बिनेशन किन किन बेसिस पर है। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐसा लिख रखा है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हो सकता है कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, बोलो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़े, कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़े। इवन यूएसए की अगर बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स आज के टाइम पर हॉस्पिटलाइज इसी बेसिस पर हो रहे हैं क्योंकि ड्रग्स का रिएक्शन। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं कि हमने ड्रग्स लिया और वो रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट इतना खतरनाक करता है कि वो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज करके ही छोड़ता है, आपका एक हफ्ते 10 दिन लेके ही छोड़ता है, और खर्चे जो होते हैं वो अलग। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला के फार्माकोजेनोमिक्स के अंदर में रखा जा रहा है। हमें पता है कि आज के टाइम पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोगों ने जीनोम की सिक्वेंसिंग कर रखी है कि हर एक इंडिविजुअल, और इवन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, एक हैप मैप प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या करना है हम लोग, या फिर ये 1000 जीनोमिक्स करके है तो, या फिर 1000 जीनोम है, 1000 जीनोम। इसमें क्या है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के, मतलब पूरे अर्थ से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पर्सन्स के डीएनए को हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर जैसे हम लोग समझते हैं कि अगर अफ्रीकन पर्सन है तो अफ्रीकन ओरिजिन का कोई पर्सन है तो वो उसका स्किन का कलर डार्क क्यों है, डार्क कॉम्प्लेक्स क्यों है उसका, या फिर अगर हम लोग रशियन अगर ह्यूमंस का जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि वो लोग इतने टॉल क्यों हैं, बहुत लंबे क्यों हैं, इंडिया में हम लोग करते हैं तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो इन सब तरीकों से हम लोग उन सीक्वेंस को मैच करके 1000 जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो अब क्या है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा एक इन्फॉर्मेशन है, अब उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स की फैसिलिटीज़ में, ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए जेनेटिक डिफरेंसेस हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं और किसी भी एक पर्सन को कौन सा ड्रग कितने अमाउंट में इंटेक लेना चाहिए उसके लिए काफ़ी मददगार है फार्माकोजेनोमिक्स। समझ में आ गया? वही है कि एक प्रिस्क्रिप्शन पे सबका अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी का नॉर्मल रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी का टॉक्सिक रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो सकता, किसी के लिए खतरनाक रिस्पॉन्स हो सकता है, किसी के लिए कुछ और ही रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से फार्माकोजेनोमिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए जीन डोपिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डोपिंग क्या है। डोपिंग वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि यूजुअली प्लेयर्स के बेसिस पर या फिर एथलीट्स जो होते हैं उन लोग को ऐसे डोपिंग दी जाती है। तो डोपिंग दी जाती है इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्रकार का अगर सेल्स या फिर किसी भी प्रकार का अल्टर्ड जीन्स या फिर दूसरा कोई भी जेनेटिक एलिमेंट या फिर कोई भी चीज, इन सब में से एक या सारी मिला के अगर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट को मान लो इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए
जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक इंसान है, मान लो कि उसैन बोल्ट है। अब उसैन बोल्ट ने शुरुआत में देखा कि उनको 100 मीटर दौड़ने में टोटल टाइम लगता था 10.2 सेकंड्स। अब वो चाहते थे कि मैं इसको कम करूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत कर ली, लेकिन ये 10.2 सेकंड से 10.1 तक भी नहीं आ रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा स्टेमिना इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, कितनी भी प्रैक्टिस कर ली जाए। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन डोपिंग है। डोपिंग में क्या करते हैं हम लोग, मान लो कि एक जीन थेरेपी के अंदर में मान लो एक रिपोक्सीजन होता है। रिपोक्सीजन का क्या काम है, ये एक्चुअल में जब जीन थेरेपी बनाई गई थी तो ये उन पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी जो कि एनीमिक थे, जिनको ब्लड की कमी होती है। यूजुअली वुमेन जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, तो उनके बॉडी में प्रॉब्लम ये होती है कि RBCs जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो अच्छे अमाउंट में या फिर जितना स्पीड में उनको बनना चाहिए वो नहीं बनते हैं, या फिर उनका लॉस बहुत तेज़ी से हो जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रिपोक्सीजन जीन थेरेपी का यूज़ किया गया। इसमें क्या था कि एक DNA का पैकेज उनको इंजेक्ट किया जाता था, जिसके बेसिस पर वो क्या करता था कि उनके कुछ बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो फैक्ट्री था, या फिर ऐसी चीज़ जो कि RBCs बनाता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो उसको इन्हेंस कर देते थे। मतलब कि खूब सारे RBCs बनने लगते थे रिपोक्सीजन के इंजेक्ट करने से। इसका एडवर्स यूज़ किया गया, मतलब कि ये तो रिपोक्सीजन क्यों यूज़ किया जा रहा है, वो एनीमिक पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है जिनके पास ब्लड की कमी है, तो इसीलिए रिपोक्सीजन लगाने से या फिर इंजेक्ट करने से उनका ब्लड काउंट नॉर्मल हो जाता था। लेकिन RBCs का एक फंक्शन है, RBC का क्या फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे बॉडी में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाता है जहाँ पर RBCs के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। और एक बहुत ही बढ़िया इसमें पार्ट ये होता है ना कि आपके बॉडी में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता होगी, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका एडवर्स इफेक्ट या फिर इसका इलिसिट तरीके से यूज़ करने के लिए एथलीट्स में डोपिंग करना स्टार्ट कर दिया गया रिपोक्सीजन का, या फिर और भी दूसरे भी तरीके होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल रिपोक्सीजन का। इसमें क्या होगा कि रिपोक्सीजन का इंजेक्शन अगर एथलीट्स को दौड़ने से पहले लगा दिया जाएगा तो अचानक से इनके बॉडी में RBCs ज़्यादा बनने लगेंगे, और इसके चलते ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनके बॉडी में बढ़ जाएगी, और इसके चलते जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ जहाँ पर उसैन बोल्ट को 10.2 सेकंड्स लग रहे थे 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने में, वो अब हो सकता है कि 9.7 या 9.6 सेकंड ही लगे, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी इन्फ्यूज़ कर दी गई है। लेकिन ये जो जीन डोपिंग है जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को जीन्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर एथलीट्स का या फिर एथलेटिक पर्सनालिटीज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, ये एक इलिसिट मीन है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी को नहीं दर्शा रहा है। इसलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में बनाया गया। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसी बात के लिए इसको मॉनिटर करता है, यहाँ पर डोपिंग के खिलाफ लड़ता है, बाकी की एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करता है और एंटी डोपिंग मूवमेंट को प्रमोट करता है, जिसके बेसिस पर इसने डोपिंग को कैसे डिफाइन किया है। डोपिंग किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी फॉर्म में अगर इस तरीके से दिया जाए कि वो नॉन थेरापेटिक यूज़ उसका हो, किसी भी सेल्स का, किसी भी जीन्स का, किसी भी जेनेटिक एलिमेंट का, या फिर जीन के एक्सप्रेशन के मॉड्यूलेशन का, कुछ भी हो, इससे अगर परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए, कैपेसिटी इन्हेंस हो जाए किसी भी प्लेयर की, किसी भी एथलीट की, तो डेफिनेटली वो डोपिंग के अंदर में आएगा, और डोपिंग इलिसिट है, हो सकता है कि उसको फिर निकाल दिया जाए स्पोर्ट्स, उसको अलाउ ही ना किया जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो इवन जैसे अभी WADA वाडा ने अभी रशिया को बैन किया था ना, 4 साल के लिए बैन कर दिया है, तो इवन अभी व्लादिमीर पुतिन हैं और वो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, दूसरे जो उनके यहाँ की एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वाडा जो है अपने इस स्टेप पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और जब उसने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। इस तरीके से वाडा चल रहा है, और इस तरीके से आप जीन डोपिंग भी समझ पा रहे होंगे कि जीन डोपिंग एक्चुअल में क्या होता है।
इससे क्या फ़ायदा होता है। तो केवल एथलीट ही नहीं बल्कि जैसे कि रेसलर्स होते हैं, मतलब ये लोग भी डोपिंग लेते हैं जिसके बेसिस पर जैसे जो एक्स्ट्रा दम आता है, जैसे कि बाइसेप्स हैं उनकी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्वेल हो रही है, या फिर मतलब इस तरीके से काम होता है कुछ। तो हर जगह वो जीन डोपिंग की ही जाती है, ठीक है, ताकि उनका परफॉर्मेंस इन्हेंस हो। वाडा की बात करें तो कनाडा में एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी, इन्होंने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को फाउंड किया और फिलहाल इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। और इसका मेन मोटिव है प्ले ट्रू, सत्यता के साथ खेलो भाई, कोई चीटिंग वीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही काम रखो। फिर अगला टॉपिक हमारे पास आता है जीन पेटेंटिंग का। जीन पेटेंटिंग क्या है? जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल पेटेंट करते हैं ना, मान लो आपने कुछ बहुत ही नायाब चीज़ का आविष्कार किया है, तो आप चाहोगे कि, और इसका इस्तेमाल भी बहुत जगह हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर, तो आप चाहोगे कि इस नायाब आविष्कार का आप पेटेंट ले लो। आपके नाम पर ये पेटेंट अगर हो जाता है तो अगले 20 साल तक इस पर्टिकुलर नायाब आविष्कार को अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो बिना आपके परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता है, या फिर डेफिनेटली आपको इसका उसको कुछ आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। हो सकता है इन कैश बेनिफिट दे, या फिर हो सकता है कि अपने कंपनी में कुछ शेयर्स का बेनिफिट दे। इस तरीके से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप बेनिफिट रीप करोगे जब भी आप किसी चीज़ को पेटेंट करा लेते हो और उसको कोई और इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहता है। अब जीन पेटेंटिंग का मतलब क्या है? क्या ऐसा है कि जो हमारी बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में जो जीन्स के सीक्वेंस हैं वो सबसे यूनिक है, तो क्या आप अपने बॉडी के अंदर की जीन्स को पेटेंट करा सकते हो कि भाई देखो मैं एक इकलौता इंडिविजुअल हूँ और मैं अपने आप को पेटेंट कराता हूँ और ये रहा मेरे जीन्स का सीक्वेंस, ऐसा हो सकता है क्या? देखो ये मतलब नहीं है जीन पेटेंटिंग का। जीन पेटेंटिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम डीएनए के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, और अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं, मान लो कि मंकी है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने मंकी के जीन्स की सीक्वेंसिंग कर ली, तो वो इस बात को बोल सकता है कि भाई मैं पहला इंसान हूँ या फिर मैं पहला ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसने मंकी की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। आगे किसी को भी इस मंकी के जीनोम सीक्वेंसिंग को अगर यूज़ करना होगा तो वो बिना मेरे परमिशन के नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको पेटेंट कराता हूँ, ठीक। उसने मान लो मंकी के जीनोम सीक्वेंसिंग को पेटेंट करा लिया। फिर मान लो कोई एक ऐसी कंपनी आती है जिसने ह्यूमन बींग्स के जीनोम सीक्वेंसिंग को पेटेंट करा लिया, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि सोचो कि पूरे दुनिया में किसी को भी इस जीनोम सीक्वेंसिंग का अगर यूज़ करना होगा तो वो इनसे परमिशन लेगा, और ये तो बैठे बैठे अरबपति बन गए। फिर तो अरबपति क्या, पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे वो इस चीज़ से, तो है कि नहीं। तो ये ऐसा ही चलता रहा शुरुआती तौर पर, और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत सारे, अब उनका मेन काम ही यही हो गया कि खूब सारे स्पेशीज निकालो, उनकी सीक्वेंसिंग करो, क्योंकि सीक्वेंसिंग करने में बहुत मेहनत नहीं लगती है, टाइम बहुत लगता है, प्रिसिशन बहुत चाहिए इस चीज़ में। लेकिन आप समझो कि अगर आपके पास एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग आप भी कर सकते हो, बस आपको प्रायर कुछ नॉलेज चाहिए होगी उसकी। सीक्वेंसिंग ही तो करनी है कि एक के बाद एक कि क्या क्या ले, बस उसको नोट करना है। जैसे हम लोग बही खाता मेंटेन करते हैं अपने लेजर में, तो हम लोग अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं कि भाई ये 2 रुपये का काम है, ये 5 रुपये काम है, फिर 10 रुपये आया, फिर 20 रुपये आया, फिर 5 रुपये आया। तो ये जो सीक्वेंसिंग है लाइन से लिखने का काम, समझ लो यही लाइन से लिखने का काम होता है जीनोम सीक्वेंसिंग में। बस यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं, ये लगभग 20 से 21 हज़ार ऐसे जीन्स की सीक्वेंसिंग लाइन बाय लाइन बिल्कुल लिखनी पड़ती है। तो जो भी है, लेकिन है तो आसान काम ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए देखा गया कि लगभग 2013 से पहले US के अंदर ही मोर देन 4300 ह्यूमन जीन्स को पेटेंट करा दिया गया कि इस पर्टिकुलर स्पेशीज वाले, मतलब कि स्पेशीज इन द सेंस कि मान लो किसी एक अलग से फैमिली की बात की कि भाई हम कोरियन जीन्स को पेटेंट करा लेते हैं, हम अफ्रीकन जीन्स को पेटेंट करा लेते हैं, हम इंडियन जीन्स को पेटेंट करा लेते हैं, कोई बोलेगा हम मंगोलॉइड जीन्स को पेटेंट करा लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉइड जीन्स को पेटेंट करा लेते हैं। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पेटेंट्स होने लगे। तो एक रिवॉल्यूशनरी टाइम आया जून 13, 2013, जब USA के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया एसोसिएशन फॉर मोलिकुलर पैथोलॉजी वर्सेस मिरियाड जेनेटिक्स के फेवर में। इन्होंने क्या बोला कि देखो ह्यूमन जीन्स जो है ना, वो एक तरीके का नेचर का अपना प्रोडक्ट है, इसीलिए अगर तुम उसको सीक्वेंसिंग कर भी लेते हो तो उसमें तुमने कुछ नया चीज नहीं खोज निकाला है, वो तो ऑलरेडी सीक्वेंस में था, तुमने बस उसको नोट ही तो किया है।
तो इसलिए इसमें कोई भी नया आविष्कार जैसा कुछ नहीं है। और चूंकि डीएनए जो होती है वो किसी भी नेचर का अपना खुद का एक प्रोडक्ट है, उस पे कोई भी पेटेंट नहीं करा सकता है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जीन पेटेंटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट, जितना भी 4300 से ज़्यादा पेटेंट हुए थे ना ह्यूमन जीन्स की, सबको खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यूएस की क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, यूएस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इस बेसिस पर जीन पेटेंट के लिए काफ़ी हद तक यूएसए के इन सॉल्यूशंस पर डिपेंडेंट है। सेम मेथड जो यहाँ पर वर्डिट सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, समझ लो सेम इंडिया में भी चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना कि किसको हम पेटेंट करा सकते हैं, जीन पेटेंटिंग का फिर मतलब ही क्या है। इन्होंने बोला, देखो क्या हो सकता है कि अगर तुम डीएनए को लैब में निकाल के उसको मैनिपुलेट करो, कुछ सीक्वेंस को मैनिपुलेट करो, और उस अल्टर्ड सीक्वेंस को अगर तुम पेटेंट कराना चाहते हो तो चलो वो हम अलाउ कर देंगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुद की काबिलियत दिखी है, तुमने कुछ एक पर्टिकुलर जीन्स को मैनिपुलेट किया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को मैनिपुलेट किया है और इसके तुम फायदे की बात कर रहे हो, है ना। तो इस बेसिस पर जो डीएनए आप पेटेंट करा सकते हो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब कि एक तो सीक्वेंस है ही है लेकिन उसमें हमने कुछ सीक्वेंसेस में चेंजेस लाए हैं, अब ये इस तरीके से हो सकता है, तो कुछ नया चीज़ हुआ, तो इसलिए उसको पेटेंट करा सकते हो, और वो भी पूरे जीन्स को नहीं, केवल उस सीक्वेंस को पेटेंट करा सकते हो। दूसरा कि मान लो जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम ये नहीं देख रहे थे कि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में राइबोसोम्स के पास जाता है, तो वो फिर एमिनो एसिड की मदद से और मैसेंजर आरएनए का जो भी कोडिंग रहता है उसके मदद से कुछ नया प्रोटीन बनाता है बॉडी में हमारी। आपने मैसेंजर आरएनए को या फिर डीएनए, डीएनए में आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भेज दी जिससे जो आरएनए अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहता था या फिर जो मैसेंजर आरएनए था उसके पास एक नए सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस पहुंच गए, मतलब आपने इंफॉर्मेशंस को वेरी किया है इन जीन सीक्वेंसेस में, जिसके बेसिस पर कुछ नया फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स बनाने की बात हो रही है। इस चीज के लिए भी अगर आप पेटेंट कराना चाहोगे कि हमने ये सीक्वेंस क्या फॉलो किया है, तो डेफिनेटली वो भी सीक्वेंस आप पेटेंट करा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर किसी स्पेशीज की जीनोम सीक्वेंसिंग को आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। जीन पेटेंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया? ओके, फिर हम पढ़ते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का क्या मतलब है? देखो, जीन थेरेपी का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे हम लोग मान लो कट पेस्ट करते हैं ना, मतलब कि हमारे पूरे इस डीएनए सीक्वेंसेस में एक फॉल्टी सीक्वेंस भी आ गया। फॉल्टी सीक्वेंस का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है जो कि हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल पार्ट है, या फिर वो किसी चीज़ को हमारे बॉडी में सप्रेस कर दे रहा है। मतलब कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होते हैं कि वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ पर अफेक्ट करते हैं और फिर पूरे लाइफ टाइम या फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कंटिन्यू होते रहते हैं। मान लो कि कोई प्रोटीन ना बनाने की क्षमता, वो क्या होगी, जीन के मतलब जीन में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई सीक्वेंसिंग में। आप क्या कर सकते हो कि आपके पास चूंकि हेल्दी जीनोम सीक्वेंसिंग भी है, उसके बेसिस पर आप एक एम्ब्रियो सेल लो। एम्ब्रियो सेल क्या होता है, अभी आगे हम लोग जब स्टेम सेल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। वहां से इस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करो और यहाँ पर आप अटैच कर दो, मतलब नया सीक्वेंस इसको डिलीट करके आपने रिरेज किया और यहाँ पर इसी में एक नया जीन जो कि फ्रेश और हेल्दी जीन है उसको आपने प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग कट और पेस्ट करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन एडिटिंग भी मोर और लेस ऐसी ही चीजें होती हैं। जीन थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है सेल का, उसको उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल जीन्स होते हैं, इन एबनॉर्मल जीन्स को हम लोग हेल्दी जीन से रिप्लेस करते हैं, इसी को हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। अब जो भी म्यूटेटेड जीन होगा वो मान लो कि किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में या फिर किसी भी प्रोटीन को सही तरीके से सिंथेसिस नहीं कर पाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, तो उस जगह पर हम लोग हेल्दी जीन लगा के सेल को प्रॉपरली वापस से फंक्शनिंग बना सकते हैं। ये है हमारी जीन थेरेपी, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, हम एक पहले जीन को ब्लॉक करते हैं और दूसरी बार उस जीन को ब्लॉक करके नया जीन इंसर्ट करते हैं, हेल्दी जीन, और जिस तरीके से ये नया जीन पुराने वाले जीन को ब्लॉक करता है और फिर अपने में ही फंक्शन इस्टेब्लिश करा लेता है, तो ये होता है जीन थेरेपी। अगला टॉपिक हमारा है जीन एडिटिंग।
देखो अभी जीन थेरेपी में हम लोग क्या कर रहे थे, फॉल्टी जीन्स या फिर जो एबनॉर्मल जीन्स थे जो कि म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन क्या होता है, एक्समैन मूवी देखिए उसमें म्यूटेशन बहुत बढ़िया से दिखाते हैं, लेकिन उसमें जैसे कि हमें पता है कि म्यूटेशन के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, तो उसमें तो इस तरीके से दिखा रहे थे कि भाई उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं, और मतलब वो तो एक साईफाई मूवी है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्टली म्यूटेशन होता है वो हमारे जीन्स में मॉडिफिकेशंस करता है, मतलब कि पहले से अब के टाइम पर कुछ सीक्वेंसिंग होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूटेशन। ठीक, तो वहाँ पर जीन थेरेपी के अंदर तो हम लोग कुछ फॉल्टी जीन्स को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेल्दी जीन से रिप्लेस करते थे, वो जीन थेरेपी थी। जीन एडिटिंग क्या होती है, जरूरी नहीं कि फॉल्टी जीन हो, कैसा भी जीन हो अगर हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम लोग पहले कट करेंगे, और कट करने के बाद हम लोग वहां पर एक अपना सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन्स जो है उसको इनपुट करेंगे। अब ये होता कैसे है, समझो कि इस चीज के लिए एक जीन एडिटिंग टूल आता है, जैसा कि हम लोग अपने फोटो को एडिट करने के लिए फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं, उस तरीके से जीन को एडिट करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है क्रिस्पर कैस नाइन। ठीक, अब यहाँ पर क्रिस्पर क्या है, देखो क्रिस्पर एक तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम लोग क्रिस्पर का नाम दे रहे हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम लोग क्रिस्पर बोल रहे हैं। क्रिस्पर का क्या मतलब है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस, मतलब क्लस्टर्ड है, बंधा हुआ है एक साथ, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड है, बीच बीच में रेगुलरली मतलब रिपीटिशंस कुछ आ रही हैं, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब होता है, ऐसी चीजें जो कि अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाए या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाए तो वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो मलयालम, आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे ये सेम आएगा, इधर से भी मलयालम है और इधर से भी मलयालम है, तो ये पैलिंड्रोमिक वर्ड है, समझ लो। ऐसे ही कुछ रिपीटिशंस होते हैं क्रिस्पर में भी, तो क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर जो है वो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है। ठीक, यहां पर जो कैस नाइन की हम बात कर रहे हैं, कैस नाइन हमारे लिए एक एंजाइम है, इस एंजाइम को आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये जो हम बोल नहीं रहे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स को कट करता है, तो कट करने के लिए नॉर्मली जैसे हम लोग एक कागज का टुकड़ा है उसको कट करने के लिए हम लोग सीजर्स का यूज करते हैं ना, समझ लो कैस नाइन एक प्रकार का सीजर है जो कि डिजायर्ड प्लेस पे कहाँ से कहाँ तक जीन्स कट करनी है उस चीज को ये आइडेंटिफाई करता है कैस नाइन, और वो उसको वहां से वहां तक कट करता है। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ जेनेटिक कोड को हम लोगों ने बोला कि क्रिस्पर है, और क्रिस्पर किस तरीके से यूज करेगा उसको, प्रेसाइज लोकेशन पर कहाँ पर उसको कट करना है वो कैस नाइन को बताएगा, कैस नाइन अपने सीजर्स लेके आएगा उस पर्टिकुलर जीन को कट करेगा वहां से वहां तक, और जो हमारा क्रिस्पर है वो यहाँ पर या फिर जो भी नए जीन्स एडिट करने थे हमको उस जीन को यहाँ पर हम लगा देंगे। सिंपल सा है, कट पेस्ट करने की बात होती है, या फिर क्रिस्पर की अगर हम बात करें केवल, तो क्रिस्पर ना देखो हमारे बॉडी में यूजुअली ऐसे भी काम करता है, हम उसको कुछ भी अलग से टेक्नोलॉजी कुछ अलग से टूल नहीं देते हैं, इसमें क्या होता है कि डीएनए के पास ऐसे क्रिस्पर्स होते हैं, तो कोई भी एलियन बैक्टीरिया जब भी इन्वेड करता है ना हमारे शरीर के अंदर में, तो क्रिस्पर ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है उस एलियन बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सीक्वेंस है क्रिस्पर तब तुरंत बनाना स्टार्ट कर देता है, तुरंत निकालना स्टार्ट कर देता है जब किसी भी एलियन बैक्टीरिया का हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या कहते हैं, आक्रमण करते हैं अगर बोलो, तो इसके बेसिस पर क्या होगा, तुरंत के तुरंत यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके जाएगा, और जिसको जहां पर भी कुछ भी प्रोड्यूस करने की बात होगी, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ एमिट करने लगे, लड़ाई करने लगे एलियन बैक्टीरिया से, अपनी फौज भेज दे उससे लड़ने के लिए, उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे, उसके लिए क्रिस्पर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि अगर सोचो कि इस क्रिस्पर को अगर हम लोग जानबूझ के एक्टिवेट कराने लगे कि हम अपने मन से कुछ ऐसे बैक्टीरिया को इनपुट करें जिससे कि ये वाला क्रिस्पर एक्टिवेट हो, और एग्जैक्ट पोजीशन पर जहां पर भी हमें एक नया सेट ऑफ
जीन्स को इंट्रोड्यूस करना हो, वहाँ पर हम एक सीजर्स प्लेस करते हैं, तो उस क्रिस्पर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक काट दो इस जीन को, और फिर उसके बदले में कुछ एक नया जीन का मटेरियल प्लेस कर दो। तो कुछ ऐसा टेक्निकली बहुत ही जो डिफिकल्ट साउंड हो रहा है, वो साइंटिस्ट ने क्रिस्पर कैस नाइन की मदद से बना लिया। आपको केवल इतना समझना है कि इसमें क्रिस्पर क्या है, कैस नाइन क्या है, और ये कैसे काम करता है, ठीक है? तो इसमें सिंपली यही है कि कट पेस्ट वाले टेक्नोलॉजी है। इसको मैं एक बार आपको एक किसी फोटोज के थ्रू देखता हूँ। हाँ देखो, ये यहाँ पर डीएनए एडिटिंग की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम था सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए, इस डीएनए को जरा स्ट्रेच किया गया। तो जितने भी रेड वाले पोर्शंस देख रहे हो, ये समझो कि हमें एडिट करना था। तो हम क्या करेंगे कि एक डीएनए कटिंग एंजाइम को लेके आएंगे। यहाँ पर ये डीएनए कटिंग एंजाइम क्या है? कैस नाइन। ये कैस नाइन इसको आएगा और चक्कर की तरह इसको काट डालेगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे, जो कि वापस से इस जो कटे हुए जीन्स को फुलफिल करने के लिए ये वहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और वापस से इसकी सीक्वेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ वापस में बनेगा, मतलब कि जो भी डिजायर्ड ट्रेट्स चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग को, वो सब हम लोग क्रिस्पर कैस नाइन की मदद से बना सकते हैं। अब जीन कटिंग कैसे होती है? जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्पर कैस नाइन जो है, उसमें से कैस नाइन जो है वो एक सीजर है, या फिर कट या एडिट जीन है। अब ये सॉरी एंजाइम है, तो ये एंजाइम इस तरीके से इसको कट कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम लोग एक ही साथ बहुत सारे मल्टीपल जीन्स को भी कट कर सकते हैं क्रिस्पर कैस नाइन की मदद से। चाइना की एक टीम है जिसने पहली बार एक 3 नॉर्मल ह्यूमन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली म्यूटेशन के साथ करेक्ट किया, मतलब जो कि ऐसे एम्ब्रियोज थे जो कि जेनेटिकली म्यूटेटेड थे, उनको क्रिस्पर कैस नाइन की मदद से ह्यूमन एम्ब्रियो को उन्होंने सही कर दिया। इसके कुछ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ क्रिस्पर कैस नाइन का, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे जापान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि अगर HIV Type 1 है अगर हमारे पास, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं क्रिस्पर कैस नाइन की मदद से। कैसे? उन्होंने बोला कि देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो कि एक पेरेंट है जो कि HIV इन्फेक्टेड है, उनका बच्चा जो है वो पैदा होगा तो डेफिनेटली वो भी HIV इन्फेक्टेड ही होगा। उसको बचने के लिए 2018 में अभी जापान के साइंटिस्ट इस बात का दावा देते हैं कि उन्होंने पहला जीन एडिटेड ह्यूमन बेबी पैदा किया है, जो कि HIV इन्फेक्टेड पेरेंट से है पैदा हुआ, लेकिन अब वो HIV इन्फेक्टेड नहीं है। उन्होंने किया क्या है कि एक ना प्रोटीन है CCR5, एक तरीके का आप ये समझो कि यही एक ऐसा जीन का एक कॉम्बिनेशन था जो कि HIV के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को जितना दूर में ऐसा CCR5 था, उसको इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब कि उन्होंने इसको फंक्शनिंग करने से रोक दिया, ठीक? तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो HIV इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसका CCR5 एक्टिवेटेड ही नहीं है। CCR5 जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक वो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो ये मज़ेदार बात हुई कि नहीं, कि अब बच्चे जो हैं वो HIV इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इवन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में भी क्रिस्पर कैस नाइन को यूज़ कर सकते हैं, और फार्मिंग सेक्टर में, या फिर एनिमल की ब्रीडिंग्स को सुधारने के लिए, या फिर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए, या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को किसी एक पर्टिकुलर चीज में, किसी एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, क्रॉप्स में इंक्रीज करने के लिए क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़ है क्रिस्पर कैस नाइन का, ठीक है? तो जीन एडिटिंग में यही सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि अभी हमने डिस्कस किया सब कुछ। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो आता है, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया 2019 में, अच्छा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज कैस नाइन प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, क्या होता है? तो अब भी हमने पढ़ा कि एक मॉलिकुलर सीजर है जो कि टारगेटेड जीन एडिटिंग करता है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर। और देखो, कुछ भी यूज हो सकता है क्या? बायोसेंसर बिल्कुल नहीं है, जीन है जो कि प्लांट को पेस्ट रेसिस्टेंट बनाता है। तो पहली बात तो कैस नाइन जीन ही नहीं है, वो तो क्रिस्पर है। हर्बिसाइड सब्सटेंस सिंथेसाइज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो क्या कैस नाइन कोई हर्बिसाइड सब्सटेंस है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चंस तो आसान पूछे जाते हैं, आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे थे, तो उसमें पूछा गया कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इसके ट्रांसफर्स को अलाउ कर सकते हैं,
क्या हम लोग किसी भी स्पीशीज ऑफ प्लांट के अलग अलग स्पीशीज में डीएनए आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एनिमल से प्लांट में कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हायर ऑर्गेनिजम्स में भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक वेक्टर होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए को कट करके यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग डीएनए की तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, कहीं से भी उठा सकते हैं। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे थे। तो इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये भी आसान सवाल था। फिर बात आती है आखिरी स्टेम सेल्स के ऊपर। देखो स्टेम सेल्स, जैसे अभी हम लोग सेल्स को डिवाइड कर रहे थे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऐसे डिफाइन कर रहे थे ना, समझ लो वैसे ही सेल्स को किसी और बेसिस पर भी डिफाइन किया जा सकता है या फिर टाइप्स में डिफाइन किया जा सकता है। कुछ होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के पास देखो, आप इस तरीके से स्टेम सेल्स को समझो, इनके पास एक यूनिक फीचर होता है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर मान लो सिंगल सेल है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करके दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो मैं, आप या फिर जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, जब हम लोग पैदा हुए होंगे तो हम लोग एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। पता है आपको कि जब हमारे पेरेंट्स में, मतलब कि जब स्पर्म और एग में जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो वो एक सिंगल सेल बनाता है। उस सिंगल सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आया होगा, 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आया होगा, और फिर इस सिंगल सेल के न्यूक्लियस में वो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते होंगे और इसके बेसिस पर हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते होंगे। अब स्टेम सेल्स में क्या होता है कि हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर जैसे कि ये हमारा जाइगोट फॉर्मेशन से पहले जो ये सिंगल सेल है, यही सिंगल सेल हमारे इस पूरे बॉडी में डेवलप होता है, मतलब कि इसी सिंगल सेल से हमारे लंग्स भी बने हैं, हमारी किडनी भी बनी है, हमारा हार्ट भी बना है, हमारी स्किन भी बने हैं, हमारा ब्रेन भी बना है, हमारी पूरी बॉडी जो है इसी सिंगल सेल से बनी है। तो क्या इस सिंगल सेल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, जिससे हम लोग अपने आप से कुछ भी बना लें, है कि नहीं? तो समझो इस चीज़ को स्टेम सेल का एक टाइप बोल सकते हैं। इस टाइप के स्टेम सेल को, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी चीज में बनने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसे कि हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर सैंपल पर्पस के लिए ही कोई न्यूक्लियस मीडिया, मेडिकल मीडिया का ये वीडियो है, चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि देखो हमारे बॉडी में ये जो लंग्स हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बने हुए हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से ये एक एग है और यहाँ पर कुछ स्पर्म्स आ रहे हैं जो कि इसके अंदर पहुँचेंगे और फिर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक फाइनली बनता है जाइगोट। ये जाइगोट जो है हमारा एम्ब्रियोनिक सेल है, या फिर हम इसको एक प्रकार का टोटीपोटेंट स्टेम सेल बता सकते हैं। इस स्टेम सेल से हम पूरे के पूरे डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ जो प्लासेंटा है और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये भी इस टोटीपोटेंट सेल से बन सकता है। मतलब टोटीपोटेंट सेल की ये खासियत है कि हम ना केवल अपने आप को फुली ग्रो कर सकते हैं, बल्कि इस सेल को यूज करके हम लोग प्लासेंटा और फर्दर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो हम मदर के वूम से हम कनेक्टेड होते हैं ना, वो जो एक नली जैसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, तो वो सब भी इस सेल से बन सकता है, एक पर्टिकुलर सेल से। अब ये पर्टिकुलर सेल देख रहे हो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसे डिवाइड हो गए। ये बनाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये भी समझ लो अपने आप में एक प्रकार का स्टेम सेल ही है। इसमें बहुत सारे सेल्स हो चुके हैं, तो इसकी जो टोटी पोटेंसी थी कि हम किसी भी चीज़ में डेवलप कर जाएंगे, उसमें थोड़े से लिमिटेशंस लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसका एक सेल ले लें तो इस सेल से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। लास्ट शायद मैं भी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को मैंने कुछ गलत डिफाइन कर दिया था, अभी जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा था।
तो ये जो एक सिंगल सेल होता है ना, ये जाइगोटिक स्टेम सेल है। ये मैं आपको गलत बता दिया था, आप इसको करेक्ट करना प्लीज़। ये जाइगोटिक स्टेम सेल है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, जो कि टोटिपोटेंट है। जो इम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का क्या मतलब है, हम समझते हैं, वीडियो देखते हैं जरा वापस से। ये प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट का क्या मतलब है कि ये किसी भी ऑर्गन्स में डेवलप हो सकते हैं। मतलब कि हमारे आँख, नाक, कान, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, कुछ भी बना सकते हैं ये इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो क्या हम इन इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज़ करके लैबोरेटरीज में हम लोग कुछ भी ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं? तो ये बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी से ये समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें ऐसा इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल चाहिए, ठीक है? तो इम्ब्रियोनिक स्टेम, हालांकि इसके लिए अब एथिकल रीजंस भी आएंगे जिसको भी हम पढ़ते हैं, फिलहाल हम साइंस पर फोकस कर रहे हैं अभी। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे इम्ब्रियोनिक सेल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा इम्ब्रियो से ले लिया जाता है, और उस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग पेटी डिश में उसको अलग तरीके से यूज करते हैं। मतलब फिर हम लोग कोई भी पार्ट्स बना सकते हैं। फिर एक आता है तीसरा, एडल्ट टाइप का स्टेम सेल। मतलब कि मेरे और आप जैसे जो एडल्ट फुली ग्रोन बॉडी है उसके किसी भी पोर्शन से हम स्टेम सेल को ले सकते हैं। मान लो ये हमने स्किन के बारे में फोकस किया और हम डीप में गए तो हमें सेल्स मिले। इसमें जो ये सेल होता है ये होता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का क्या मतलब होता है कि ये अपने जैसे ही ऑर्गन्स में इन सेल्स को डेवलप कर सकता है। जैसे कि अगर स्किन रिलेटेड सेल है तो ये केवल और केवल स्किन रिलेटेड सेल को ही आगे चल के बना सकेगा। हम लोग इससे, ऐसा नहीं है कि इस स्किन सेल से हम लोगों ने अपने लंग्स बना लिए, लंग्स डेवलप कर लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये एडल्ट स्टेम सेल है। एडल्ट स्टेम सेल क्या कर रहा है, ये मल्टीपोटेंट है। हो सकता है कि ये डिवाइड हो और एक लेयर जिस हिसाब से जैसा ये खुद का सेल था वैसा ही अपने आप को रेप्लिकेट कर ले ऐसे, तो एक नया स्टेम सेल बना दे खुद ही स्किन का स्टेम सेल। या फिर हो सकता है कि पुराने लेयर को ये हटा के एक नया स्किन सेल भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा स्किन सेल ही, ये कुछ और नहीं बना रहा है। तो ये मल्टीपोटेंट होते हैं। अब इन मल्टीपोटेंट सेल्स को भी आज के टाइम पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे मेथड्स इजाद कर लिए हैं जिसको हम लोग प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल कौन सा था, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे। तो इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं प्लूरीपोटेंट सेल में, और हम इनको बनाते हैं आज के रेगुलर स्किन सेल्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर। अब इस इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की खासियत ये होगी कि इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। हम लोग लिवर बना सकते हैं, हम लोग इंटेस्टाइन बना सकते हैं, हम लोग अपने स्मॉल इंटेस्टाइन बना सकते हैं, हम लोग अपने लंग्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई ना? तीन टाइप्स के हमने सेल डिस्कस किए, कौन कौन से? एक है टोटीपोटेंट जाइगोटिक सेल, दूसरा प्लूरीपोटेंट इम्ब्रियोनिक सेल, और तीसरा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल या फिर स्किन स्टेम सेल या फिर कोई भी नॉर्मल सेल। तो इस तीन तरीके के स्टेम सेल्स को आप समझ चुके हो, किसका क्या पर्पस है। ओके, अब देखो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके एप्लीकेशन पोर्शन पर जाते हैं। मतलब समझ लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिल चुके हैं और इसके चलते अब हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, अपना लंग्स बना सकते हैं, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसीलिए 3D प्रिंटिंग भी इसके लिए एक काम में आता है। अब स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी किसी न किसी बीमारियों का निजात दिलाने की कोशिश करती है। इसमें क्या है, हमें पता है कि हमारे बोन मैरो में, बोन के अंदर ये जो पोर्शंस है ना, यहाँ पर बनते हैं हमारे ब्लड सेल्स। तो जिन पेशेंट्स को कैंसर है, ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया का एक जो एक टिपिकल जो प्रॉब्लम होता है उसके पास ना ऐसे वाइट ब्लड सेल्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं वो भी होते हैं, और ये दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर वाइट ब्लड सेल्स में इम्यूनिटी डेवलप करने की क्षमता थी वो चली जाती है और हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स दिन पर दिन कम होते जाते हैं, और इसके चलते आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इसका मतलब क्या है समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्टेम सेल थेरेपी को समझो कि अगर हम इसमें मान लो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब कि हमने क्या किया कि इम्ब्रियो से ऐसे ही कुछ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल, सबसे पहले तो हमने इनका स्किन या फिर ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल्स को
हमने क्या किया कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं ना, इसमें भी ब्लड लगे होते हैं, और इस ब्लड को भी हम एज ए क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट ब्लड सेल्स की जैसे, स्टेम सेल्स की जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हमने क्लिप किया और इस ब्लड में हमने अम्बिलिकल कॉर्ड का जो हेल्दी जीन था उससे लिया और फिर हमने इसको यहाँ पर प्लेस किया। तो जो भी हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल या फिर ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स थे उसको हमने इनको इंजेक्ट करने के लिए बताया। उसके पहले हमने क्या किया कि कीमोथेरेपी की, इनकी ल्यूकेमिया कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी होती है ना, तो कीमोथेरेपी से क्या होता है कि लेज़र ऑफ लाइट्स निकलते हैं और जितने भी ऐसे गंदे वाले ब्लड सेल्स होंगे जो कि हार्मफुल वाइट ब्लड सेल्स थे उनको मार दिया गया। लेकिन चूंकि अगर ऐसा मार भी दिया जाता है तो भी ये फिर से बनने की क्षमता इनके पास होती है, तो इससे लड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अभी नया ब्लड बनाया है ना उस ब्लड को इनके अंदर इन्फ्यूज़ कर देंगे। तो स्टेम सेल्स जब भी जाएंगी तो ये अब नए तरीके से, ये देखो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल हैं, इनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनाने लगेंगे। इस तरीके से हम लोग स्टेम सेल थेरेपी को अंजाम देते हैं। बात समझ में आ गई, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, ये सब बात अब आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो स्टेम सेल्स के तीन यूनिक प्रॉपर्टी, अब हम जरा इसको पढ़ेंगे तो आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। पहला ये कि वो कैपेबल है अपने आप को डिवाइड करने में, वो कैपेबल है अपने आप को, मतलब कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड मतलब कि ये किसी भी चीज़ में डेवलप हो सकते हैं, गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। ये खुद तो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं लेकिन ये किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में बन सकते हैं। तो स्टेम सेल तो हमने ऑलरेडी ये देख ही लिया। इसके बाद दो मेन सोर्सेज हैं, हमने बताया कि एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ देखो प्रॉब्लम ये थी कि अब हम लोग एम्ब्रियोनिक सेल को स्पेसिफिकली निकालने के लिए तो किसी एम्ब्रियो को तबाह नहीं कर सकते ना, ये अनएथिकल होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कहीं पर एम्ब्रियो डेवलप हुआ है तो वो आगे चल के एक लाइफ में कन्वर्ट होगा, हमारे आप जैसा एक एडल्ट पर्सन बनेगा। तो उस एडल्ट पर्सन को हम मार डाल रहे हैं बिल्कुल शुरुआत में उस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को निकालने के लिए केवल, तो वो अनएथिकल हो जाता है। इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट फेज में हम एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को नहीं निकालते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेसिफिकली कुछ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारे एम्ब्रियो स्टेम सेल्स बनते हैं, उनमें से हम कुछ एक निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग बाहर आर्टिफिशियली हम लोग एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराते हैं, इसको कुछ दिन तक बाहर ही रखते हैं जिसके बेसिस पर खूब सारे, और यहाँ पर एक स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं कराते, बहुत सारे स्पर्म्स बहुत सारे एग्स को फर्टिलाइज करता है, इसके बेसिस पर बहुत सारे जायगॉट बनते हैं, मतलब सिंगल सेल बनते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट फेज में बहुत सारे बनते हैं। इनमें से किसी दो तीन को हम लोग उठा के वुमेन की वोम्ब में प्लेस करते हैं, फिर वहाँ पर वो वोम्ब में उनमें से भी दो तीन जो हमने ब्लास्टोसिस्ट प्लेस किए हैं, ब्लास्टोसिस्ट फेज के जो हमने सेल्स प्लेस किए हैं उनमें से हो सकता है कि एक या दो सर्वाइव कर जाएं, तो वो जो कि अभी तक स्टेराइल पेरेंट्स थे, जो हम बोलते हैं कि वो कैपेबल नहीं थे बेबी पैदा करने के लिए, वो भी आज के ज़माने में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से चीज़ों को आसानी से रख सकते हैं, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। कैसे, ये हमने बता दिया कैसे। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं या फिर स्टेराइल पेरेंट्स हैं तो उनके में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये समझो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम लोग निकालते कहाँ से हैं और उनको निकालना अनएथिकल कहाँ पर था और अब हम लोग क्या करते हैं, और इवन अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से भी मिलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसे ही काम करते हैं, तो इवन उनको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसका तो कोई काम होता नहीं, उसको भी वैसे भी हम लोग काट ही देते हैं, काट के फेंकना ही होता है, उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है फिलहाल बर्थ के बाद, तो इसीलिए वहाँ से उन अम्बिलिकल कॉर्ड्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इनके अलावा जब से हम लोगों ने एडल्ट स्टेम सेल को यूज़ करना स्टार्ट किया है, हम लोग पहले उसको एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे कुछ भी बनवा लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि देखो स्टेम सेल जो होते हैं वो दो तीन तरीके के इस तरीके से होते हैं, एक तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होगा, वो एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल टाइप्स में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा इन सब में डेवलप होगा। कुछ सेल्स होंगे जो कि प्लूरीपोटेंट होंगे, प्लूरीपोटेंट मतलब कि वो किसी भी सेल किसी भी बॉडी को बना सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन को बना सकते हैं, हमारे लंग्स को बना सकते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को हमने देखा भी बनाया उसने,
तो उस तरीके के भी स्टेम सेल्स होते हैं, और कुछ होते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल, जो कि हमारे स्किन के अलग अलग सेल होते हैं। अब वो कहीं से भी हो सकते हैं, देखो लंग्स के सेल निकाल लो या फिर अपने स्किन का सेल निकाल लो। स्किन का सेल सबसे आसान होता है निकालना, इसीलिए उसी को हम लोग इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट में चेंज करके कुछ भी काम करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेम सेल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, और स्टेम सेल्स की थेरेपी भी इसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट हम लोगों ने क्या किया, सोमैटिक सेल लिया दो टाइप्स, जो कि हमारा सोमैटिक मतलब क्या होता है, बॉडी। तो हम बॉडी से कोई भी सेल निकालते हैं, तो अपने एडल्टहुड से कोई भी सेल निकालते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल में, और फिर ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल किसी भी ऑर्गन्स में डेवलप हो सकता है, ब्लड सेल्स में, बोन सेल्स में, मसल सेल्स में, न्यूरल सेल्स में, किसी भी सेल्स में ये पैदा हो सकता है, मतलब बन सकता है इन द फ्यूचर। अब देखो इसीलिए क्या करते हैं ना कि हम लोग 3D प्रिंटिंग में इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल को बेस बना के, जैसे कि ऐसे हम लोग पेन में इंक डाल के, जब हम लोग रेड कलर की इंक डालते हैं तो हम लोग रेड कलर की चीज़ें लिखते हैं, जब हम लोग ब्लू इंक डालते हैं तो हम लोग ब्लू कलर की चीज़ें लिखते हैं, समझ लो। इस तरीके से एक आता है बायो इंक, बायो इंक में ना यही स्टेम सेल्स समझ लो एक प्रकार का इंक का काम करते हैं। अब चूंकि ये स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में किसी भी बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स में डेवलप हो सकते हैं, तो हम उनको इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अब होगा यूं कि इस बायो इंक को वो यूज़ करके किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं 3D प्रिंटर्स की मदद से, तो ऐसा भी होता है। तो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स का आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो इन द कमिंग फ्यूचर। अभी और भी ये साइंस चूंकि फुली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में देखो ये सारी बातें आई कहाँ से, ये बातें स्टार्ट हुई थी, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा आपके घरों में जो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, उनकी अगर गलती से पूंछ कट जाती हैं तो वो वापस से रीग्रो कर जाती हैं, है कि नहीं। तो वो वापस से रीग्रो करने की जो क्षमता है वो आखिरकार कहाँ से आई, उस चीज़ के ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तो अगर कभी ऐसा हो कि किसी इंडस्ट्रियल वर्कर का कभी गलती से हाथ कट गया हो और वापस से हम इस हाथ को रीग्रो करा सकें, है कि नहीं। तो इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें डेवलप हो सकें, तो उसी चीज़ों में ये समझ लो एक सबसे पहला कदम रखा गया है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। 2001 में क्वेश्चन आया था स्टेम सेल से रिलेटेड कि विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहला कि स्टेम सेल कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। देखो स्टेम सेल ना केवल मैमल से ही नहीं बल्कि प्लांट से, सिंगल बैक्टीरिया से, स्टेम सेल्स तो किसी के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैमल से ही नहीं कहीं से भी स्टेम सेल्स डिराइव कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। और जैसे ही आपने ये बताया दो स्टेटमेंट्स कट गए, मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है कि स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, हमने पढ़ा भी स्टेम सेल थेरेपीज चलती हैं। फिर स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स मतलब कि नए ड्रग्स का कैसा हिसाब किताब चलने वाला है, तो उस बेसिस पर भी स्टेम सेल्स काम आते हैं क्या? तो देखो डेफिनेटली स्टेम सेल्स उस बेसिस पर भी काम आएंगे। नए ड्रग्स कैसे काम हो सकते हैं, मतलब कि नए ड्रग्स का इजाद करना या फिर नए ड्रग्स को बनाना, उसके लिए भी स्टेम सेल थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से यूज हो पाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि ल्यूकेमिया के पेशेंट्स को कैसे वो ट्रीट कर रहे थे। अब उस बेसिस पर अभी तक जो भी चीज़ें ड्रग्स के बेसिस पर पॉसिबल नहीं थी, अब वो स्टेम सेल्स के बेसिस पर पॉसिबल हो पाएंगी। तो इस तरीके से कुछ नए ड्रग्स का भी निर्माण होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलेंगे और हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस को, तो वो होगा लास्ट लेक्चर, और उसके बेसिस पर हम फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में इसको पॉज करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।